हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल गुड। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने केस वन और केस टू को देख चुका है। आज हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थर्ड केस, फोर्थ केस और फिफ्थ केस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो केस नंबर थर्ड में क्या है, तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं कि अंशु एंड नीतू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड ज्योति एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर विच सी एक्वायर 2/10 फ्रॉम अंशु एंड 1/10 फ्रॉम नीतू। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंशु, नीतू एंड ज्योति। यानी अंशु और नीतू क्या है, दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट 3:2 में डिवाइड करते हैं। ज्योति क्या है, एक नई पार्टनर आई है जो कितने के लिए आई है, 3/10 के लिए। और वो 3/10 कैसे लेगी, तो 2/10 अंशु से लेगी और 1/10 नीतू से लेगी। यानी ये 3/10 को वो 2/10 अंशु से लेगी और 1/10 नीतू से लेगी। तो अब हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, 3:2। ज्योति क्या है, एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/10, ओके, विच एक्वायर्स 2/10 फ्रॉम अंशु एंड 1/10 फ्रॉम नीतू। तो क्या करेंगे कि 3/10 के लिए आई है, ठीक है, जिसमें से 2/10 क्या करेगा, अंशु से लेगा। तो जितना भी ओल्ड रेशियो है अंशु का दिया हुआ, ठीक है, 3:2, यानी अंशु का 3/5 है और नीतू का 2/5। तो 3/5 से हम लोग 2/10 को घटा देंगे, तो अंशु का न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको साथ साथ नोट करते जाएं। तो लिखेंगे अंशु न्यू शेयर इक्वल टू 3/5 माइनस 2/10, क्योंकि अंशु कितना दे रहा है, ज्योति को 2/10 ही मात्र दे रहा है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा और 6 हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा 2, यानी हमारा हो जाएगा 4/10। नेक्स्ट हो जाएगा नीतू का न्यू शेयर, तो नीतू न्यू शेयर्स इक्वल हो जाएगा, इसका ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5, और ये कितना दे रही है ज्योति को, 1/10। तो 1/10 से क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, तो 5/10 कैल्शियम 10 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, टोटल हो गया यहाँ 3/10। अब क्या करेंगे, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंशु नीतू एंड ज्योति, तो लिख देंगे यहाँ पर 4/10 अंशु का आया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3/10 नीतू का है और वह 3/10 के लिए ज्योति आई थी।
ठीक है, तो देखेंगे नीचे का जो भी पार्ट हमारा इक्वल है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट हम लोग 4:3:3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। इसके बाद चलते हैं केस नंबर फोर्थ पे, हमारा केस नंबर फोर्थ है, ठीक है, तो चलिए इसको भी रीड आउट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो राम एंड श्याम आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी राम और श्याम क्या दो पार्टनर हैं जिसका रेशियो दिया गया है 3:2। दे एडमिटेड घनश्याम, एक नया पार्टनर आया है, राम सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 1/4 ऑफ हिज शेयर, कहने का मतलब कि जो भी ओल्ड पार्टनर है राम और श्याम, तो राम क्या कर रहा है यहाँ अपने शेयर का 1/4, ठीक है, और श्याम क्या कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ घनश्याम, यानी 1/4 और 1/3, ठीक है, वह किसको दे रहा है, घनश्याम को दे रहा है। तो यहाँ पर घनश्याम कितने के लिए आया है यहाँ मेंशन नहीं है, तो जो भी आएगा 1/4 और 1/3 जो भी सेक्रीफाइस करने के बाद राम और श्याम के बाद आएगा, वो दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो देखते हैं कैसे आएगा, उसी को कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राम एंड श्याम, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग राम को लेते हैं, तो राम का ओल्ड रेशियो कितना है 3:5, तो वो अपने शेयर से, ठीक है, तो राम क्या कर रहा है अपने शेयर से, ठीक है, यानी अपने शेयर का 1/4 सरेंडर कर रहा है, ठीक है, तो राम क्या होगा, राम सरेंडर्स, ठीक है, 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ घनश्याम, ठीक है, तो अपने शेयर का, यानी 1/4 ऑफ, ठीक है, इसका कितना शेयर है 3/5, यानी जो भी इंग्लिश का लैंग्वेज है उसको आप अच्छे से समझिएगा तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, यानी 1/4 का, ठीक है, इसका शेयर, तो इतना हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3/20, यानी इतना यह क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा किसको, घनश्याम को, ठीक है, घनश्याम को करेगा, तो अब निकलेगा क्या, राम न्यू शेयर्स, ठीक है, तो ओल्ड कितना था इसका 3/5, और कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सरेंडर कर रहा है अपना शेयर 3/20, तो 3/20 को आप लोग घटा दीजिए, तो 5/20 का एलसीएम 20 होगा, ये 12 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा, तो 9/20, ठीक है, ये हमारा हो गया राम का। अब हम लोग श्याम का निकालते हैं, तो श्याम का हमारा ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, ठीक है, तो श्याम लिखेंगे, श्याम सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ घनश्याम, ठीक है, तो 1/3 किसका 2/5 का, तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/ कितना हो जाएगा 2/15 हो जाएगा, इतना यह क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है किसको, घनश्याम को, ठीक है, तो
श्याम न्यू शेयर हो जाएगा 2/5 माइनस 2/15, ठीक है। तो 5 और 15 कैल्शियम हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6 हमारा, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 4/15, ठीक है। तो हमारा न्यू शेयर निकल गया है। अब हम लोग किसका न्यू शेयर निकालना है, घनश्याम का। तो घनश्याम का न्यू शेयर हो जाएगा राम प्लस श्याम। तो राम ने कितना सरेंडर किया है, राम ने सरेंडर किया है 3/20 प्लस, और श्याम ने कितना शेयर किया है 2/15। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो हमारा घनश्याम का न्यू शेयर। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 8, तो हो जाएगा 17/60, ठीक है। तो घनश्याम का भी न्यू निकल गया है। अब लिखेंगे देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रेशियो ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम। तो राम का कितना है न्यू शेयर, तो राम का न्यू शेयर यहाँ है 920 इस टू। श्याम का न्यू शेयर कितना है 415, और घनश्याम का कितना है 1760, ठीक है। तो हम लोग नीचे देख सकते हैं, नीचे हमारा इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इक्वल करना होगा, ठीक है। तो इक्वल करते हैं इसको, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 27/60 इस टू 16/60 इस टू, आई हमारा सेम टू सेम उतर जाएगा, ठीक है। तो हम आप लोग लिख सकते हैं रेशियो हमारा 27:16:17, ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। केस नंबर 4 थी, सबसे डिफिकल्ट है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए। लास्ट हमारा अब है केस नंबर 5, तो ये हमारा है केस नंबर 5। तो इसको रीड आउट करते हैं, समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। दास एंड सिन्हा आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 4:1 रेशियो। दे एडमिटेड पाल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्ड wholly from Das, determine the new profit sharing ratio of the partners। कहने का मतलब कि दास एंड सिन्हा क्या है, दो पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट और लॉस 4:1 में डिवाइड करते हैं। एक नया पार्टनर आया है, कौन, पाल, ठीक है, 1/4 के लिए, ठीक है, जो क्या करेगा सारा का सारा, ठीक है, किससे एक्वायर करेगा, ओनली दास से, ठीक है, सिन्हा से कुछ भी नहीं लेगा। तो ये सबसे इजी है, जितना ये एक्वायर कर रहा है उतना दास से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग हेडिंग कर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लिखते हैं दास न्यू शेयर, ठीक है। तो दास का है कितना, ओल्ड 4/5 माइनस पाल क्या कर रहा है, न्यू पार्टनर है, वो कितना ले रहा है 1/4
किससे ले रहा है, दास से, तो 1/4 क्या करेंगे, दास से हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो 5/4 का हमारा एलसीएम होता है 20, ठीक है, और ऊपर में आएगा हमारा 16, यहाँ माइनस हो जाएगा 5, ठीक है, तो हमारा टोटल आ जाएगा 11/20। सिन्हा का न्यू शेयर हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, तो 1/5 थी इसका न्यू शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दास, सिन्हा एंड पाल, ठीक है। तो जो भी है हम लोग यहाँ राइट डाउन कर देंगे। तो दास का कितना है 11/20 इज टू, सिन्हा में कोई चेंजेस नहीं है तो 1/5 हो जाएगा, और न्यू पार्टनर जो पाल है हमारा कितने के लिए आया था, ठीक है, 1/4 के लिए, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं नीचे हमारा जो भी है, ठीक है, वो इक्वल नहीं है हमारा, ठीक है। तो इसको इक्वल करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 11/20 इज टू 4/20 इज टू 5/20। तो हम लिख सकते हैं अपना रेशियो 11:4:5, ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा केस नंबर 5 समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक समझ में आया होगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।